नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं जहां पर शक्ति प्रदर्शन होता है। और चिराग पासवान बीजेपी को दो टूक में कह देते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का किसके साथ गठबंधन है, चिराग पासवान किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चिराग पासवान क्या कुछ करना चाहते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान का गठबंधन किस पार्टी से है। वो इतना तो कहते हैं पर पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, वो सीधा कह देते हैं कि उनका गठबंधन बिहार के लोगों के साथ है। जब तक उनके शरीर में खून का एक बूंद भी रहेगा तब तक वो बिहारियों के लिए काम करेंगे और बिहार के लोगों के दिल से उनका रिश्ता बना हुआ है, ये कहना था चिराग पासवान का। और जैसे ही चिराग पासवान कल ये बयान देते हैं उसके बाद राजद के सबसे बड़े नेता यानी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक बार फिर से सामने आते हैं और खुला ऑफर इस बार उन्होंने चिराग पासवान को दे दिया है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर सारा खेल रचा जा रहा है और इस बार लालू प्रसाद यादव के इशारे पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक दो नहीं बल्कि पांच भी नहीं 8 लोकसभा सीट देने का दावा कर रही है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें राजद 8 लोकसभा सीट देगी और ये लालू प्रसाद यादव के इशारे पर हो रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को फोन भी किया है और ऑफर भी दिया है कि आप एनडीए को छोड़ दीजिए, आप एनडीए को छोड़कर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में चले आइए, हम आपको हाजीपुर के साथ साथ 8 लोकसभा सीट देंगे। अब सब कुछ तय करना है चिराग पासवान को, क्या चिराग पासवान 8 लोकसभा सीट पर मान जाएंगे, क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्या चिराग पासवान 2024 के चुनाव में मोदी का हनुमान नहीं बनेंगे, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब चिराग पासवान ही देंगे। लेकिन जब से चिराग पासवान को ये ऑफर दिया गया है तब से चिराग पासवान खामोश है। अब तक चिराग पासवान की ओर से कोई बयान इस ऑफर पर निकलकर सामने नहीं आया है और न ही चिराग पासवान अब तक ये कहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। चिराग पासवान की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। जब तक बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सामने नहीं आ रहा है तब तक चिराग पासवान भी खामोश है। बताया जा रहा है एक तरफ राजद के जो नेता थे वो लगातार चिराग पासवान को अपने दल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें पशुपति पारस की टीम की चंदन कुमार के, तो चंदन कुमार ने ये दावा किया है कि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार आ जाएंगे और मोहर लगा देंगे सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूला है, जो सीट है उस पर, उसके बाद चिराग पासवान राजद में अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन किया गया वैशाली जिले में, उस शक्ति प्रदर्शन में जो भीड़ आए थे वो साफ बयां कर रहे थे कि चिराग पासवान के कितने लोग चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से चिराग पासवान को अपने पलकों पर बैठा के रखे हुए हैं। और चिराग पासवान वहां से ऐलान करते हैं कि युवाओं के साथ, बिहार के लोगों के साथ उनका गठबंधन है, न कि किसी पार्टी के साथ। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आता है चिराग पासवान का, तुरंत राजद फ्रंट फूट पे आती है और राजद की ओर से चिराग पासवान को ऑफर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको 8 लोकसभा सीट देंगे, आप एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चले आइए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा बीजेपी की ओर से और उसमें अगर बीजेपी चिराग पासवान को सीट नहीं देती है मन के मुताबिक, तो क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि वहां से बड़ा ऑफर मिल रहा है इस वक्त चिराग पासवान को। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।